डियर एस्पायरेंट्स, आज के सेशन में हम यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। मैटर का जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं? सबसे पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। कोई भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। दूसरा, मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। और तीसरा यह है कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो अगर हम कंपैरिजन करें सॉलिड्स क्या हैं, लिक्विड्स क्या हैं, गैसेस क्या हैं, तो सबसे पहले यह है कि सॉलिड्स जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं, मैटर की वो फॉर्म है जिसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो वेरी स्ट्रांग होती है, और लिक्विड में कंपैरेटिवली वो वीक होती है, और गैसेज में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वेरी वेरी वीक होती हैं। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जो सॉलिड्स हैं इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और शेप भी इनकी फिक्स्ड होती है, लेकिन जो लिक्विड्स हैं इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती। आप जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको टब में डालते हैं तो टब की ये शेप अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर आप इसे बाल्टी में डालते हैं तो ये बाल्टी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। और गैसेज जो है उनका तो ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड जो है ये सबसे ज्यादा डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम होती है और गैसेज की डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा वीक कम होती है। इसके अलावा सॉलिड जो है वो हार्ड होते हैं और जो गैसेज हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये इन दोनों का एक यूनिक फीचर है। सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और गैसेज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ फीचर्स थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर की। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो मैटर जो है वो आपका आयनिक फॉर्म में होता है, यानी उसके पॉजिटिव आयंस जो है वो अलग होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। ये जो आपके पास नियॉन नियॉन और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं इनके अंदर प्लाज्मा यूज़ होता है जब ये ग्लो करती हैं। इसके अलावा जो स्टार्स हैं, सन है, गैसेज, वहाँ पे भी आपके पास जो गैसेज हैं वो सारी सारी आयनिक स्टेट में यानी कि प्लाज्मा फॉर्म में है। प्लाज्मा हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास कर सकता है। डेंसिटी, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है तो उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है। ये देखा जाता है कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, और लिक्विड्स और सॉलिड के लिए इसका जो यूनिट लिया जाता है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लिया जाता है। ये लिक्विड के लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए जो यूनिट लिया जाता है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लिया जाता है, लेकिन गैसेज के लिए जो यूनिट लिया जाता है वो डेसीमीटर, सॉरी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये लिया जाता है। बाकी लीटर का रिलेशनशिप लिखा हुआ है, 1 लीटर जो है वो 10^-3 क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे साथ टेबल में कुछ सब्सटेंसेस की डेंसिटी दी हुई है। एयर की डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, फोम की 89 है, पेट्रोल की 800 है, कुकिंग ऑयल की 920 है। वाटर की डेंसिटी आप लाजमी याद रख लीजिएगा और आइस की डेंसिटी लाजमी याद रख लीजिएगा। वाटर की 1000 होती है और आइस की 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ये कन्वर्जन दी हुई है, 1 लीटर जो है वो 10^-3 क्यूबिक मीटर की इक्वल होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10^-6 क्यूबिक मीटर की इक्वल है, और इसी तरह 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है वो इक्वल है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हमें यह बताती है कि कोई चीज़ कितनी भारी है या कितनी हल्की है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि दिए हुए स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जिस पार्टी का, जिस सब्सटेंस का मास ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हाईली डेंस होगा। मतलब अगर हम बात करें आयरन की और वुड की बात कर लें तो ये वॉल्यूम आप ले लें, दोनों के लिए बराबर वॉल्यूम लें। ये वॉल्यूम आपने ले लिया और इतना ही वॉल्यूम आपने और लेना है। अब इन दोनों वॉल्यूम के अंदर इसमें आप आयरन भर दें और इतने ही बराबर वॉल्यूम के अंदर आप वुड भर दें, तो आप देखेंगे कि जाहिर तौर पे आपको वॉल्यूम सेम नज़र आ रहा है कि हमने सेम क्वांटिटी डाली है इसके अंदर वुड की भी और आयरन की भी, लेकिन जब आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आयरन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है और जो वुड है वो आपको लाइटर फील हो रही है। तो यही डेंसिटी का कंसेप्ट है कि अगर सेम वॉल्यूम दिया जाए और उसके अंदर आप मैस डालते हैं तो जिस सब्सटेंस का आपको हैवी नजर आएगा, आप हैवी फील करेंगे, वो मोर डेंस है एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंस। वो बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे आयरन जो है ये ज्यादा डेंस है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो वुड है वो लेस डेंस है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी सरफेस पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल मतलब है कि बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर, ये सरफेस आपने ली हुई है और इसके ऊपर बिल्कुल आपने 90 एंगल यहाँ पे बनाना है और स्ट्रेस अप्लाई करनी है, फोर्स अप्लाई करनी है, तो इसे कहा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया और ये इक्वल होता है प्रेशर के। ये साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक बुक के पहले ऊपर बुक दी हुई है, तो ये देखें बुक जो है इसका जो एरिया है, ये कॉन्टैक्ट एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये कम है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ज़्यादा है। यानी बुक जो है वो जब हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, लैंडस्केप फॉर्म में जब पड़ी हुई है वाली फॉर्म में, तो इसका जो प्रेशर है वो कम है, और जब इस फॉर्म में पड़ी है बुक वर्टिकल हालत में पड़ी है तो अब इसका प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि फार्मूला में बता रहा है प्रेशर का कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया और प्रेशर आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। सिमिलरली जिस
का एरिया कम होगा, जिस तरह ये आपके पास बुक नजर आ रही है, इसका अंडर जो एरिया आ रहा है वो एरिया कम है, तो लिहाजा इसका प्रेशर ज्यादा लग रहा है टेबल के ऊपर। इसी तरह हम ये दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं पिन की। तो इस पिन का अगर आप देखें तो पिन के अंडर जो एरिया आ रहा है टेबल का वो बहुत कम है, वेरी वेरी लो है, एज कम्पेयर टू ऊपर जो हमने बुक देखें तो इसका प्रेशर और ज्यादा है। बल्कि वो मिसाल भी दी जाती है कि हाथी जो है देखने में उसका बहुत ज्यादा वजन होता है, लेकिन उसके पाँव का जो प्रेशर होता है, दर हाथी का पाँव जो है वो उसके जिसामत के हिसाब से होता है, काफी बड़ा पाँव होता है ये। अगर हाथी का पाँव है इस शेप का और ये जमीन के ऊपर जब लगता है तो इसका जो प्रेशर है ये लेस होता है एज कम्पेयर टू अगर एक सेहतमंद लड़की ने हील पहनी हो, तो उसकी उसकी हील का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हील के नीचे जो एरिया आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है और हाथी के पाँव के नीचे जो एरिया है वो ज्यादा आ रहा है। तो लिहाजा जो प्रेशर है वो एरिया के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, जितना एरिया कम आ रहा होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा और इसी तरह वाइस वर्सा। यहाँ पे एक साइड पे इन्फो दी हुई है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये एक्सटेंड हुआ है कहाँ तक, फ्यू 100 किलोमीटर तक, यानी जमीन की सरफेस से लेके ऊपर कई 100 कई 100 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और फिर ये कह रहा है कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो पहले 10 किलोमीटर है, पहले 10 किलोमीटर यानी ये अर्थ है, तो पहले 10 किलोमीटर यहाँ तक, पहले 10 किलोमीटर तक जो है ये बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक मैस है यहाँ पे। और अगर हम 30 किलोमीटर की बात करें यानी यहाँ पे चले जाएं तो ये जो टोटल है ये बन जाता है 30 किलोमीटर। तो पहले 30 किलोमीटर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक मैस का टोटल परसेंटेज यहाँ पे है वो है 99%, यानी पहले 30 किलोमीटर के अंदर पूरे एटमॉस्फेयर का 99% मैस मौजूद है और बाकी जो पीछे 200-300 किलोमीटर रह गए उनके अंदर सिर्फ 1% है। और इसी तरह अगर हम पहले 10% की बात करें, सॉरी पहले 10 किलोमीटर की बात करें, तो पहले 10 किलोमीटर के अंदर आई गेस मुझे कन्फर्म नहीं है कि पहले 10 किलोमीटर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक मैस आ रहा है वो तकरीबन 70% आ रहा है, 70 है या 77% है, आप इसे कन्फर्म कर सकते हैं गूगल से। तो जैसे जैसे आप 30 किलोमीटर से ऊपर फिर जाएंगे एयर जो है वो लेस से लेस डेंस होती चली जाएगी। लेस डेंस होने का मतलब यही है कि जो मॉलिक्यूल के दरमियान सेपरेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल है, तो पास्कल आपको पता है कि अगर आपने इसको, हमने पहले यूनिट में पढ़ा था कि अगर आपने इसको फुल फॉर्म लिखना है तो फिर इसका पहला लेटर पी जो है वो स्मॉल होगा, क्योंकि ये कन्वेंशन है कि अगर आपने फुल नेम लिखना है यूनिट का तो पहला लेटर स्मॉल लिखना है, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो फिर साइंटिस्ट का नाम है तो पहला लेटर बड़ा होगा। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये भी प्रेशर का यूनिट है, तो इसमें भी आप देखें न्यूटन चूंकि साइंटिस्ट का नाम है तो लिहाजा एन कैपिटल है, और पास्कल भी चूंकि साइंटिस्ट का नाम है तो लिहाजा पी जो है वो कैपिटल है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर जो है उसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है और ये इक्वल होता है पास्कल के, यानी ये रिलेशनशिप है पास्कल का और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया है तो इसको तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये स्केलर क्यों है, स्केलर इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, आपके पास डायरेक्शन इसमें फिक्स है, आपने नॉर्मल फोर्स ही अप्लाई करनी है सरफेस के ऊपर, नॉर्मल फोर्स, कोई और एंगल नहीं आप ले सकते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम से जाहिर है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर जो कि डिफरेंट गैसेज का एक क्लाउड है वो जो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि पहले 10 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम मैस मौजूद है एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का, और इसके बाद अगर हम मजीद एक्सपेंड करें तो हम कह सकते हैं कि पहले जो 30 किलोमीटर है उनके अंदर 99% मैस है एटमॉस्फेयर का, और उसके ऊपर जो चंद 100 किलोमीटर है वहाँ पे ओनली 1% है पूरे एटमॉस्फेयरिक गैसेज का। तो इसलिए जो एयर की डेंसिटी है, एयर चूंकि मिक्सचर ऑफ गैसेज है और एयर की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है एटमॉस्फेयर के अंदर, पहले 10 किलोमीटर के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस है और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं उसके बाद इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब ये बैलून की अगर हम बात करें कि बैलून जब आप इसके अंदर हवा भरते हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आप इसका जो इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ा रहे होते हैं। जब आप इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये बैलून जो है ये फूलना शुरू हो जाता है, और जब इसका प्रेशर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जब तक ये एक्सटर्नल प्रेशर से बैलेंस हो रहा होता है, ये एक्सटर्नल प्रेशर हवा का इस पर प्रेशर लग रहा है, जब तक इस पर एक्सटर्नल प्रेशर इसका बैलेंस हो रहा होता है तब तक ये स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही इंटरनल प्रेशर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ये इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर से बैलेंस नहीं हो पा रहा होता तो उसके बाद ये गुब्बारा फट जाता है। इसके अलावा स्ट्रॉ जिसके जरिए आप जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं, आप उसका प्रेशर कम कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रॉ से कोई चीज़ सक करते हैं तो एक्चुअली आप उस स्ट्रॉ के अंदर जो एयर होती है उसको रिमूव कर रहे होते हैं, और जब आप उसकी एयर को रिमूव करते हैं तो आप उसका प्रेशर इंटरनल प्रेशर कम कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो लिक्विड है वो ऊपर की जाना उठता है और आपके मुंह में आना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये सिरिंज के जरिए जो आप ब्लड लेते हैं तो वो भी इसी फिनोमेना पे एक्ट करता है कि आपके पास जो सिरिंज है, तो सिरिंज के जरिए जब आप सिरिंज को पीछे खींचते हैं तो उससे भी होता ये है कि आप प्रेशर जो है जो एयर है उसके अंदर वो आप एयर निकाल रहे होते हैं, और इस तरीके से उसमें प्रेशर कम होता है और ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर के जरिए आप मेजर करते हैं। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर। इसके अलावा आप लेबॉरेटरी में, लेबॉरेटरी की हद तक जब आप प्रेशर को मेजर करते हैं, एयर प्रेशर मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे मानोमीटर कहा जाता है। सी लेवल पे यानी सतह समंदर पे जब आप जाते हैं, तो जो आपने ये मरकरी बैरोमीटर बनाया हुआ है, तो ये मरकरी बैरोमीटर का जो मरकरी का लेवल है, ये उठ जाता है, लिफ्ट कर जाता है 760 मिलीमीटर पे, 760 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में आप लिखना है तो ये 76 सेंटीमीटर बनता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो आपने डिवीजन करनी है। तो होता ये है कि आपने एक कंटेनर में, ये जो मरकरी बैरोमीटर से इसका चेक किया जाता है, ये 76 मीटर का मतलब क्या है कि आपने एक कंटेनर लिया है। अब इस कंटेनर के ऊपर हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब आपने इसके अंदर मरकरी का बैरोमीटर रखना है। अब जब आप मरकरी का बैरोमीटर रखेंगे, तो एक तो इसके ऊपर इस लिक्विड के अंदर, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर दो किस्म के प्रेशर लग रहे हैं। एक प्रेशर लग रहा है इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा लग रहा है मरकरी का प्रेशर, यानी जो मरकरी आपने इस बैरोमीटर के अंदर भरा हुआ है, तो उसका भी प्रेशर इस पे लग रहा है। तो ये दोनों जो प्रेशर जब एक दूसरे को आपस में बैलेंस करते हैं, उस वक्त जो रीडिंग आती है, वो रीडिंग आती है 76 सेंटीमीटर, या आप कह रहे हैं 76 मिली सॉरी 760 मिलीमीटर। तो इस तरीके से ये जो रीडिंग आती है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब मरकरी ही क्यों यूज़ होता है, इसकी रीज़न है जो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बाकी पानी का बैरोमीटर भी बनाया जा सकता है, वो अभी हम इसी चैप्टर में देख लेते हैं कि पानी का बैरोमीटर बनाया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो रीडिंग ये 101300 पास्कल, और एक पास्कल चूंकि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की कुल होता है, तो लिहाजा पास्कल को रिप्लेस कर सकते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से। इसके अलावा मरकरी का जो लेवल है सी लेवल पे, हाइट ऑफ जो मरकरी कॉलम होती है वो सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर होती है, और मिलीमीटर में लिखना है तो 760 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट जो चीज़ कि पानी का हम बैरोमीटर क्यों नहीं बना सकते, तो उसकी रीज़न ये है कि मरकरी जो है वो 13.6 टाइम डेंसर होती है वाटर से। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हम बैरोमीटर में मरकरी यूज़ करने के बजाय वाटर यूज़ करें, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन फिर ये है कि जो काम मरकरी का 1 मीटर का बैरोमीटर काम कर रहा था, यानी ये मरकरी का बैरोमीटर आपने बनाया और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है, आप चाहते हैं कि मैं मरकरी के बजाय इसके अंदर वाटर भरूँ, तो फिर आपको ये जो बैरोमीटर की लेंथ 1 मीटर तक आप महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आपको तकरीबन 10.34 मीटर आपको लंबा बैरोमीटर बनाना पड़ेगा। अब जाहिर इतना लंबा बैरोमीटर जो उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि वाटर की बजाय मरकरी ही यूज़ किया जाए। इसके अलावा भी मरकरी यूज़ करने की काफ़ी रीज़न है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्यों हम इसको यूज़ करें। इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है, ठीक है, वेट नहीं करता ग्लास को, और भी इसके कुछ इस तरह के फीचर्स हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि वाटर की बजाय सिर्फ मरकरी को ही यूज़ किया जाए। तो एक तो ये रीज़न थी कि अगर वाटर का बैरोमीटर बनाते हैं तो हमें बहुत लंबा बैरोमीटर तैयार करना पड़ेगा 10.34 मीटर, और इसके अलावा जो बाकी रीज़न अभी मैंने काउंट करवाई है वो भी है। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, तो चूंकि एयर जो है वो लेस डेंस होती चली जाती है, इसको अगर आपने समझा तो आप यूँ भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक टैंक है और वो टैंक जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो आप कहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा फील करेंगे, यहाँ सर्फस पे प्रेशर ज़्यादा होगा या यहाँ बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा होगा? तो ऑफकोर्स आपका आंसर यही होगा कि टैंक के बॉटम के ऊपर जो वाटर का प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तभी तो जब आपका टैंक भरा होता है तो आपके पास जो पानी आता है नीचे टैप में वो ज़्यादा प्रेशर से आता है, और जब आपका टैंक हाफ हो जाता है या आपसे कम हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो टैप के अंदर वाटर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आप इसको इमेजिन करें, ये आपकी अर्थ है और ये ऊपर सारा आपका एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर है, और हम यहाँ पे रह रहे हैं बॉटम पे। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर का जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो यहाँ बॉटम पे होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर बुलंदी पे जाएंगे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप इस टैंक में, जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे यहाँ सरफेस पे आएंगे, तो इसका प्रेशर कम होता चला जाता है। तो ये बता रहा है कि अगर आप 30 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, जमीन से ऊपर 30 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सिर्फ 1000 रह जाएगा, सिर्फ 1000। वही प्रेशर जो ऊपर हमने कोई 1 लाख की शक्ल में देखा था, वही प्रेशर आप सिर्फ यहाँ पे 1000 पास्कल रह गए, और मरकरी के बैरोमीटर पे जो हाइट आएगी वो जो पहले 760 मिलीमीटर आ रही थी वो अब सिर्फ 7 मिलीमीटर पे आ गई है। इसके अलावा एक और बात कि जब आप बुलंदी पे जाते हैं तो वहां पे आपका जो एक ब्लड का प्रेशर है, अभी जब तक हम यहाँ ज़मीन पे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप कुछ बुलंदी पे चले जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे आप सपोज कर रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं, काफ़ी बुलंदी पे आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे
चूंकि अब जो एयर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम हो गया है, तो इसका मतलब है जो ब्लड प्रेशर पहले बैलेंस हो रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अब वो बैलेंस नहीं हो रहा बल्कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है। यानी वही ब्लड प्रेशर जो यहाँ नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, वही ब्लड प्रेशर अब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पा रहा बल्कि अब वो ज्यादा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है और ब्लड प्रेशर तो उतना ही है जितना पहले था, तो डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से आपका जो ब्लड है वो आपकी आंखों सॉरी आपके नोज और कानों से निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए फिर क्या करते हैं जो ये जो चोटियों पे जाते हैं वो अपने साथ आर्टिफिशियल सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो मेंटेन रह सके और जो ब्लड है वो उनके नोज और कानों से बाहर ना आ सके। इसको उल्ट भी कर लें कि अगर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसमें हम रहने के आदी हैं ये अगर आप बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्क्वीज हो जाएंगी पिचक जाएंगी और फिर भी उसका नुकसान है। लिक्विड के प्रेशर की बात करें, अगर आपने आपके पास वो कंटेनर है और उसके अंदर कुछ लिक्विड आपने कुछ हाइट तक फिल किया हुआ है, तो आप उसका प्रेशर देखना चाहते हैं कि वो प्रेशर लिक्विड कितना लगा रहा है, तो इसका फार्मूला ये है प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। अब ये रो क्या है, ये उस लिक्विड की डेंसिटी है जो लिक्विड आपने फिल की हुई है वो। अगर आपने वाटर फिल किया हुआ है तो वाटर की डेंसिटी 1000 है, अगर आपने ऑयल लिया हुआ है तो ऑयल की डेंसिटी है, अगर आपने मर्करी लिया हुआ है तो मर्करी की डेंसिटी है। और जी जो है ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ये तो सभी के लिए सेम होगा, जब तक आप अर्थ की सर्फस पे हैं कोई भी लिक्विड ले लें ये 9.8 ही रहेगा, या आप इसको 10 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और एच का मतलब है कि हाइट, लिक्विड की हाइट। यानी अगर हम ये फिगर देखें जी, आपको हाइट नजर आ रही है, यानी अगर आप यहाँ पे प्रेशर देखना चाहते हैं तो लिक्विड की हाइट, ये लिक्विड की हाइट बन रही है। अच्छा, अगर कोई सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह की है कि ये आपका कंटेनर है और यहाँ तक आपने लिक्विड भरा हुआ है और ये जो सिलेंडर आपको इधर नजर आ रहा है, इस सिलेंडर को मैं बनाने लगा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा फर्क आ गया। अब इस सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड प्रेशर लग रहा है वो समझे कैसे आपने फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है पहले टोटल हाइट, लिक्विड की टोटल हाइट आपने देख लेनी है, ये टोटल हाइट, इसको आप एच वन कहते हैं। फिर आपने देख लेनी है ये वाली हाइट, इसको आप एच टू कह लें। तो अब आपने जो नेट एच लेना है वो कैसे आएगा, वो आएगा एच वन माइनस एच टू। यानी ये ऐसा केस था जिसमें आपका जो लिक्विड की सरफेस है वो और जो आपने इसके अंदर कोई चीज़ डाली हुई है, सिलेंडर डाला हुआ है या जो भी वुड का पीस डाला हुआ है, उन दोनों की सरफेस आपस में मैच कर रही है इस केस में। लेकिन अगर मैच ना कर रही हो, जिस तरह मैंने ये फिगर ड्रा किया, इसमें लिक्विड का जो सरफेस है वो ऊपर है और जो आपने वुड इसमें डाली हुई है उसकी सरफेस नीचे है, तो फिर आपने कैसे एच कैलकुलेट करना है, आपने टोटल हाइट ले लेनी है एच वन और उसमें से माइनस कर देना है ये जो ऊपर वाली सरफेस बची हुई है, ये वाली सरफेस आपके पास एच आ जाएगा। बाकी रो बता दिया, ये आपके पास डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, एच का मसला था वो बता दिया। तो कोई भी आप मटेरियल जब लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो उस पर लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको आप फाइंड कर सकते हैं रो जी एच। और रो जो है आपको पता है डेंसिटी है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी अगर आपके पास मास और वॉल्यूम दिया हुआ तो आप उस फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पास्कल लॉ के बारे में, पास्कल लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर सारे लिक्विड के अंदर यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है। ये पास्कल लॉ है, आप लिक्विड के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है। ये नहीं है कि किसी खास जगह पर प्रेशर ज्यादा लग जाए और किसी खास जगह पर प्रेशर कम, ऐसा नहीं है, वो थ्रू आउट द लिक्विड यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है। इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस, ये एक्टिवेटर मशीन जो आपको नजर आ रही है, ब्रेक सिस्टम है, ट्रॉलीज वगैरह के ऊपर जो चीज़ें अपलोडिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अनलोड हो जाती है, ये सारे के सारे जो है सर्वो स्टेशन पे लगे होते हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोलिक प्रेस हैं, इनमें यूज होते हैं। और कैसे, एक लो फोर्स लाइट फोर्स अप्लाई करके आप हैवी वेट उठा सकते हैं, ये फार्मूला यूज करके एफ टू इज इक्वल टू एफ वन मल्टीप्लाई बाई ए ओवर ए। ये एफ टू क्या है, ये वो वाला, ये आपकी आउटपुट फोर्स है, ये आपकी आउटपुट फोर्स है, एफ वन इनपुट है और ए जो कैपिटल है ये आपका आउटपुट एरिया है, यानी जहाँ से आपको आउटपुट मिलनी है, और ए जो है छोटा ए ये आपकी इनपुट है, यानी एफ वन भी इनपुट है और छोटा ए भी इनपुट है, और ये जो कैपिटल ए है और एफ टू ये दोनों के दोनों जो है ये आपको आउटपुट वाली साइड पे है। मजीद फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखें फिगर, ये देखिए एफ वन छोटी फोर्स अप्लाई की है छोटे एरिया वाली साइड पे और इसमें सारा लिक्विड भरा हुआ है ये। अब ये आपने यहाँ पे स्मॉलर फोर्स अप्लाई की है तो यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा वेट जो है वो लिफ्ट करवा लिया है, सिर्फ किस वजह से, इस एरिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। इस आप एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाएगा कि फोर्स आपने छोटी अप्लाई की है, एरिया भी छोटा है, तो आपको ये फोर्स टू ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा वर्क लेना चाहते हैं, तो दो ही तरीके हैं, या तो ये एरिया इंक्रीज कर दें या फिर ये वाला जो एरिया ये आप कम कर दें, तो दोनों सूरतों में आप एफ टू ज़्यादा ले सकते हैं। और इसी असूल को यूज़ करते हुए ये सारे हाइड्रोलिक प्रेस जो हैं ये काम करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम में भी ये यूज़ होता है हाइड्रोलिक प्रेस, पास्कल लॉ। और यहाँ तक ही कवर करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।